एक ऐसे डीएम की बात करेंगे। जी हाँ, डीएम तो आपने बहुत देखे होंगे, मगर आज हम एक ऐसे डीएम की बात करेंगे जिन्होंने अपने 3 साल के कार्यकाल में देखिए जिले में कितना विकास पर ध्यान दिया और कितने सराहनीय कार्य किए हैं। कड़ी मेहनत व लगन से ही लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। जी हाँ, ये कहना है कौशाम्बी के जिलाधिकारी डीएम कौशाम्बी मनीष कुमार वर्मा का। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे डीएम की जिन्होंने अपने कार्य व मजबूत इरादों से जनपद कौशाम्बी को सवारा व निखारा है। चाहे ठंड हो या गर्मी, इन्होंने अपने काम को बेखूबी अंजाम दिया है। लगातार जनपद के विकास कार्य को खुद जाकर निरीक्षण करते हैं। जिले में चाहे सीएए का मुद्दा रहा हो, चाहे जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने का कार्य, चाहे अपनी पत्नी की डिलीवरी सरकारी अस्पताल में कराने का हो, कोई विकास कार्य हर बखूबी से किया। आप सोच रहे होंगे कि हम डीएम की बात करने जा रहे हैं, तो हम बता दें कि ये डीएम है वो मनीष कुमार वर्मा है। डीएम कौशाम्बी मनीष कुमार वर्मा ने कभी भी बोर्ड परीक्षाओं में कोई रैंक प्राप्त नहीं की, लेकिन आज की तारीख में कौशाम्बी के डीएम है। आज के अवसाद में ग्रस्त बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। डीएम कौशाम्बी ने अपनी हाईस्कूल की परीक्षा को सन 2000 में पडरौना नगर जनपद कुशीनगर के उदित नारायण इंटर कॉलेज के प्रथम श्रेणी में पास किया और इसी विद्यालय से ही 2002 में इंटरमीडिएट की परीक्षा भी पास की। उसके बाद सन 2005 में कप्तानगंज के महावीर महाविद्यालय में स्नातक किया। इसके बाद जेएनयू नई दिल्ली से एमए नेट और पीएचडी की। आपको बता दूं कि मनीष कुमार वर्मा 2011 में आईएएस की बीट करने के बाद पहले सीडीओ बने। आपको बता दूं कि वर्तमान डीएम कौशाम्बी मनीष कुमार वर्मा प्रतापगढ़ व मथुरा के सीडीओ रह चुके हैं। डीएम बनने से पहले वे विकास प्राधिकरण नोएडा में अपर मुख्य कार्यपालक पद पर तैनात रहे। डीएम कौशाम्बी का मानना है कि परीक्षा में रैंक हासिल करना बहुत ही बड़ी बात नहीं है। उनका कहना है कि छात्रों को नंबर के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने के लिए मजबूती से खड़े होना चाहिए। इतना ही नहीं, जिस डीएम की हम बात कर रहे हैं, उन्हीं डीएम ने लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी पत्नी की डिलीवरी एक सरकारी अस्पताल में करवाई। सरकारी अस्पताल की व्यवस्था का ख्याल आते ही आप और बीमार हो जाते हैं। जब आपके घर में किसी की डिलीवरी होनी हो तो आप सबसे पहले प्राइवेट अस्पताल का रुख करते हैं, क्योंकि नए मेहमान का आगमन होने वाला होता है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जिसने अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए सरकारी अस्पताल का चयन किया। आप सोच रहे होंगे कि शायद उसकी हैसियत न रही होगी। ऐसी बात नहीं है, वो एक जिले का जिलाधिकारी है जिसके अंडर में पूरे जिले की व्यवस्था रहती है, पूरे जिले के अस्पताल पर उसका नियंत्रण रहता है। ये घटना है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की, जहां के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने अपनी पत्नी की डिलीवरी सरकारी अस्पताल में करवाकर एक उदाहरण पेश किया है। डीएम ने अपनी पत्नी को जिले के सरकारी अस्पताल में शनिवार को भर्ती कराया, जहां देर रात उनकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह कदम उठाया। उनका संदेश है कि सरकारी अस्पतालों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत ही प्रसव कराएं, जिससे उन्हें योजना का लाभ मिल सके। डीएम कौशाम्बी की इस अनूठी पहल ने साबित कर दिया है कि आज भी सोच बदलने की जरूरत है। सरकारी सुविधाएं किसी भी बड़े हॉस्पिटल से कम नहीं है। डीएम वर्मा का मानना है कि सरकारी अस्पतालों में भी बेहतर सुविधाएं हैं, बावजूद इसके लोग प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ अंधी दौड़ लगाते हैं। जब डीएम की पत्नी अंकिता राज को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, तब डीएम ने अपनी पत्नी से जिले के सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने को कहा, जिसके लिए वो तैयार हो गई। इसके लिए धन्यवाद की पात्र उनकी पत्नी अंकिता भी हैं, जो डीएम की पत्नी होने के बावजूद एक सरकारी अस्पताल में डिलीवरी कराना उचित समझती हैं। सबसे बड़े धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं जिलाधिकारी मनीष वर्मा, जो
जो लोगों के सामने एक उदाहरण पेश कर एक मिसाल बन रहे हैं। अभी तक तो आपने जान लिया होगा कि हाँ, हमने ऐसे दिया कि आपको एक आज बात बताई जहां उनके सारे कार्य को भी हमने दिखाया है। साथ ही मनीष कुमार वर्मा का एक और सारे कार्य हम आपको बता दें कि कौशाम्बी विद्यालय में महिलाओं और बेटियों के लिए महिला सम्मान कक्षा की शुरुआत भी कराई है मनीष कुमार वर्मा ने। साथ ही आप सोच रहे होंगे कि हम किस टीम की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी के कौशाम्बी के डीएम मनीष कुमार वर्मा की। रुक करेंगे कौशाम्बी की ओर, जहाँ कौशाम्बी जनपद के पहाड़पुर कोदन गांव में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने चौपाल लगाई, जिसमें विकास कार्यों की समीक्षा की गई। आपको बता दें, गांव का भ्रमण कर विकास कार्यों का जायजा भी लिया गया। वहीं विकास कार्यों से संतुष्ट जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने ग्राम प्रधान राकेश कुमार और जनपद के समस्त उच्च अधिकारियों की तारीफ की। ग्रामीणों से जिलाधिकारी ने शौचालय का उपयोग करने की अपील की और इस मौके पर समिति के अध्यक्ष रणविजय निषाद को जिलाधिकारी कौशाम्बी ने सम्मानित भी किया।